जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं कामरान? अरे घबरा क्यों रही है? देखें, आपकी मोहब्बत में इस कमरे को मैंने कितने अच्छे तरीके से सजाया। अगर मैंने सिर्फ एक तस्वीर भेज दी होने वाले ससुराल को, तो बेचारे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे तुम्हारे साथ? वैसे तुम्हें एक कमाल का आइडिया दूं? देखो, पैसे देने से पहले मर नहीं जाना। पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो, मरो या जियो ये तुम्हारी मर्जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात हो रही है अम्मी और अम्मी के बेटे के दरमियान? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। आज खुशी में तुम्हारी माँ ने हलवा पूरी बनवाई है। कैसी खुशी भाई? सैफ के घर वाले छोटी सी रस्म रखना चाहते हैं। अरे वाह, कब? इसी हफ्ते। भाई तुम्हारी माँ का तो बस नहीं चल रहा, कल रस्म करें और परसों रुखसती। लेकिन जिसकी रस्म करनी है वो कहाँ पे गायब है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने कहा उसे डिस्टर्ब ना करें। कल से उसको बुखार हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी बेवकूफ यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही थी। अरे भाई मुझे नहीं पता, बुखार उखार कुछ भी, जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी हम पूरी नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, हम पूरी नहीं खाएंगे, हलवा पूरी कुछ भी नहीं खाएंगे हम। साबरा, अरे साबरा, बुला के लाओ नवीन को। अरे ओके, इसमें कोई नहीं खाएगा। अच्छा, कोई भी नहीं खाएगा, कोई जब तक वो नहीं आएगा। मैंने तो हाथ रोक लिए फौर। कोई नहीं खाएगा जी। नवीन बीबी, नवीन बीबी, बेगम साहिबा, बड़े साहब, छोटे साहब, देखिए नवीन बीबी को क्या हो गया। क्या? एक सेकेंड। नवीन, नवीन बीबी, क्या हो गया नवीन को? नवीन बीबी, नवीन, 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 क्या नवीन, 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 आखिर क्या हुआ? किसको क्या हुआ? पानी, पानी, फोन कर रहा है यार। नवीन, 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 नवीन
नवीन को क्या हो गया है? आप लोग रुक जाएं। मुझे नवीन के पास जाना है। नवीन के पास जाना है। So sorry, हम उनको नहीं बचा सकते। क्या? मम्मी? डॉक्टर? मम्मी? मम्मी? Thank you.
मेरा तो ये मानना है कि अगर अच्छे लोग हैं देर नहीं करनी चाहिए शादी में। क्यों? जितनी जल्दी हो इस चूहिया से जान छूट जानी चाहिए। हाँ मैं भी ये सोच रहा था कि बस चूहिया की जल्दी से शादी कर दे। अम्मी क्या है इन दोनों को, ये लोग क्यों मुझे भगाने के चक्करों में लगे रहते। आप खुश रहें, हम सब यही चाहते। तुम सब खुश हो ना, मेरे खुश रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता। ऐसी ऐसी बातें नहीं किया करें, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबका तो पता नहीं, नहीं एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ मैं तो करती हूँ। एक तुम ही तो जो मुझे समझती हो, मेरे कहे बगैर हर बात समझ जाती हो। देखिएगा बाप जात, ये घर साए साए करेगा। और वैसे भी नवीन ने तो एक दिन चले ही जाना है। अम्मी अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के। क्यों आप ये बातें करते हैं? खाली पीवी मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर वो मेरे लिए रकम ला रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से वो कहीं पर भी जाए मुझे उसकी परवाह नहीं। ये इस चाल को चला, इस वाली को। हाँ ये हाँ। तू क्यों बता रहा है उसको?
हेलो, सच सच बताओ क्या किया तुमने नवीन के साथ? क्यों, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना, जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो, क्या किया तुमने उस मासूम के साथ? अच्छा मासूम, वाह भाई आज बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें। उस वक्त तो बकवास बंद कर, ऐसा क्या किया है तुमने कि उसने खुदकुशी कर ली? क्या जान ले ली है उसने? हाँ उसने खुदकुशी कर ली है, अपनी जान ले ली है। खुदकुशी? लेकिन लेकिन क्या? देखो सीधी तरह से बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया। देखो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बस कुछ तस्वीरें थी और कुछ वीडियो। उसके घर वालों पर कयामत टूट पड़ी है। अच्छा सुनो, उसका मोबाइल कहाँ पर है? मोबाइल? हाँ यार उसमें मेरी और नवीन की तस्वीरें हैं, किसी के हाथ चढ़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कितने खुदगर्ज और कमीने इंसान हो तुम, उस लड़की ने अपनी जान ले ली है, वो मर गई है और यहाँ भी तुम्हें अपनी फिक्र है? हाँ मुझे अपनी पड़ी है, बस तुम फौरन किसी भी तरीके से उसका फोन गायब कर दो। और अगर ना करूँ तो? अच्छा अगर उसके भाई के हाथ चढ़ गया ना वो फोन और उसने सब पूछा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा क्या? देखो पहली फुर्सत में उसका फोन ढूंढ कर गायब कर दो, इससे पहले वो किसी और के हाथ लग जाए। और सुनो पुलिस को तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया ना? शायद कर दिया। अरे यार तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो? जाओ जाके फोन ढूंढो, अगर पुलिस के हाथ चढ़ गया ना वो फोन तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ लगता है मैं जॉब नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में जो जॉब करते हैं वो आसमान से उतरते हैं? करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई। मुझे आगे तो बढ़ना है लेकिन
मुझे लगता है उसे जॉब नहीं होगी, इतना मुझसे नहीं होगा। अच्छा फिर एक काम करता हूँ मैं, कल एमफिल की सारी डिटेल मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। बल्कि काम करो तुम, शाम में वो कंप्यूटर कोर्स वो कर लो। मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर के काम इतने होते हैं। अरे घर के मुलाजिम है ना, घर के काम वो कर लेंगे, सारे काम तुमने थोड़ी करने हैं। अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, बस एमफिल कंप्लीट करो तुम अपना। और हाँ, एजुकेशन कंप्लीट करके आजकल की जो कॉन्फिडेंट लड़की है ना, वैसी बनो तुम। जब तुम कुछ ही दिन की मेहमान रह ही गई हो इस घर में, तो जाते जाते एक कप चाय पिला दें। ठीक है लाती। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। लेकिन बाबा तफ्तीश तो जरूरी है ना। तफ्तीश करने से नवीन वापस आ जाएगी, नहीं ना? बाबा ठीक कह रहे, थैंक यू फॉर कमिंग सर, हमें नहीं करवानी रिपोर्ट। देखिए खुदकुशी कोई छोटी बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ मुहरिकात होंगे। अगर कोई शख्स हुआ तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे?
कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए मेरा मशवरा है, आप मेरी बात मान लें। आप से कह रहे हैं हमें रिपोर्ट नहीं करवानी इस पर साहब, प्लीज। इतना हक तो हमारा भी होता है कि हम फैसला कर सकें कि हमें कानूनी कार्रवाई करवानी है नहीं करवानी है। जबरदस्ती पाबंद तो नहीं कर सकते हमें। मैं कितना पाबंद कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन फिलहाल इन हालात में मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। चलो आखिर पता तो चलना चाहिए ना कि नवीन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मैं अपनी बहन की मौत को इतनी आसानी से कबूल नहीं कर सकता। सुहेब, तुम सही कह रहे हो, लेकिन बेटा मुझ में हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्या कुछ निकला है। चलो बेटी, टाइम हो गया, चला तो उठा के। Thank you.
भाइयों को नहीं जानते अभी। अगर मैंने अपने भाइयों को बता दिया ना, वो तुम्हें तुम्हारी शक्ल का ही दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना, मेरे भाइयों को तुम नहीं जानते अभी। आप शायद भूल गए हैं कि हम सिर्फ भाई बहनों की तरह नहीं रहते, दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बात हुई है, कुछ कुछ कहना है मुझे कहना, मैं हूं यहाँ पे। नवीन, कोई बात नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस अकेले बैठना चाह रहा हूँ थोड़ी देर, मुझे अकेले बैठना। यही तो मसला है कि अकेले क्यों बैठना है मेरे भाई को। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अब यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई अभी भी उजाला को याद करते हैं। नवीन, मैं भूल चुका हूं उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूं ये आप इस शादी से खुश नहीं है, मुझे पता ही है। भाई क्या हुआ है? भाई खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये सोचकर कि जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नवाल का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग है। नवीन, मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है आगे गुजारते हुए उसके साथ। नवाल अब आपकी बीवी है, निभाना तो पड़ेगा ना। दो माह हुए तुम्हारी शादी की और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया। अम्मी, अम्मी मेरी गलती है, मैंने भाई को उदास देखा, दिहानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली, हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। आप अपने आप को गुनाहगार कैसे समझ सकते हैं? ये तो आप लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और मुझे तो लगता है कि शायद कुदरत ही नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ रहें। अगर कुदरत नहीं चाहती तो कुदरत मुझे से भूलने क्यों नहीं देती? क्यों वो हर वक्त मेरे जहन में सवार रहती है? अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती भाई तो क्या होता? हाँ, अम्मी बाबा ये तो आपको आग कर देते। उस बेचारी को वो रिस्पेक्ट, वो जगह तो मिलती ही नहीं घर में जो मिलनी चाहिए थी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।